7.2 angle opposite to angle opposite to equal sides angle opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. ये प्रूफ है. अब यहाँ पे हमने बोल दिया कि isosceles triangle ले लो, ठीक है, और एंगल को आपको प्रूफ करके दिखाना है. ठीक है, शुरू करते हैं. कैसे प्रूफ किया जाएगा समझो. एक अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला ही गया है थ्योरम में एक isosceles triangle आपको लेने के लिए. कैसे पता लगा? क्योंकि बोला है ऑफ एन isosceles triangle. ठीक है, तो एक isosceles triangle बनाते हैं. ध्यान देना, लेट्स से ए बी सी, ये आपका एक isosceles triangle है. क्वेश्चन में जो थ्योरम है ना, थ्योरम एक्चुअली थ्योरम में आपको गिवन दिया है ये बात. ठीक है, और कोई दो साइड्स मुझे इक्वल लेनी पड़ेगी. लेट्स से मैंने ए बी और ए सी इक्वल ले लिया. कितनी बात आ गई समझ में? आया ना? बोलो. तो आप गिवन में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे गिवन में? ए बी सी डी ट्रायंगल ए बी सी इज अ, क्या लिखोगे? isosceles triangle. isosceles triangle. कितनी बात आई समझ में आप लोगों को? ओके, तो गिवन में ये भी निकाल सकते हैं हम किस साइड को हमने इक्वल लिया है, ए बी और ए सी. ठीक है, क्योंकि isosceles triangle और दो साइड्स इक्वल लेने पड़ेगी. ठीक है, ए बी और ए सी मैंने गिवन ले लिया. मुझे पता है क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है इनके अपोजिट में जो एंगल है कौन कौन से एंगल है बताओ भाई. ए बी के अपोजिट बी और सी एंगल सी और ए सी के अपोजिट है बी. मुझे प्रूफ करना है ये दोनों एंगल्स इक्वल. देखो हालांकि isosceles triangle को बोलते हैं इक्वल, लेकिन फिर भी प्रूफ करके दिखाओ क्या क्यों होते हैं भाई, क्यों होते हैं. तो हम इस थ्योरम से मैं प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ कि एंगल्स क्यों होते हैं इक्वल. ओके ठीक है, करना शुरू करते हैं. हम इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं. इस पॉइंट को मैंने डी ले लिया. ठीक है, सर तुमने डी ऐसे क्यों बोला? बोलो इसका पॉजिटिव तो मैं डी होगा. जो ये जो है ना, एक्चुअली जो मैंने ये लिया है डी से, जो ये ड्रॉ किया है, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है. क्या कर रहा है? सर वही तो, फिर वो साइड का तो अपोजिट एंगल डी होगा. सबर, अगर मैंने डी लेने से पहले जो ट्रायंगल था ना, मैंने ऊपर देखो ना क्या लिया है, ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ना कि ट्रायंगल एबीडी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. मैं प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन किया हूं कि एबी मैंने लिया है, इसमें डी क्या कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है. डी क्या कर रहा है? आप ले सकते हो एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. ओके, ले सकते हो. ये हमने खुद ड्रॉ के ही कंस्ट्रक्शन हुआ हमारा. ठीक है, हमने क्या किया, एक बाइसेक्टर लिया. ठीक है, कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो चाहो तो. क्या लिया हमने, ए इज अ एंगल बाइसेक्टर, या फिर ए बी इज बाइसेक्ट एंगल. ओके, एबी एडी इज बाइसेक्ट, या एडी बाइसेक्ट एंगल इक्वल टू एडी बाइसेक्ट एंगल. ओके ठीक, इतना ही लेते हैं. ठीक है, अब अगर किसी एंगल को बाइसेक्ट करे तो क्या करता है कोई भाई, दो इक्वल एंगल से डिवाइड करता है ना. तो यहां पे मैंने सोचा ये हो गया वन, ये हो गया टू. इट मींस कंस्ट्रक्शन थ्रू में निकला है एंगल वन इक्वल टू एल टू. ध्यान से इतना याद रहेगा, क्लियर इतना. ठीक है, अब शुरू करते हैं, शुरू करते हैं प्रूफ करना है एंगल बी इक्वल है एंगल सी के ये बात प्रूफ करना है मुझे ना थ्योरम यही कह रहा है ना इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट में जो एंगल है ना उसको इक्वल प्रूफ करना है आपको. ठीक है,
तो मैंने एंगल भी ये प्रूफ करना है और प्रूफ स्टार्ट करता हूँ मैं अब, ठीक है। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा देना है ये भी समझ जाओगे। अभी देखो ए बी डी एंड ट्रायंगल, सबसे पहले कॉम्प्लीट करना पड़ेगा ट्रायंगल को, इन दो ट्रायंगल कॉम्प्लीट करने को सी बी सी जैसे हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल एंगल सी। तो ट्रायंगल अब ले लेते हैं ए सी डी। अब ए सी डी क्यों लिया भाई, ए बी सी क्यों नहीं ले लिया? देखो ये B को मुझे किसके इक्वल प्रूफ करना है, इसीलिए बीच में C लिखूंगा। लास्ट में आप जब कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो ट्रायंगल वही लिख लो, एक पावर इसका पैटर्न, पैटर्न सी को पैटर्न कैसे लेते हैं, ठीक है। ओके ध्यान दो, शुरू करना। इस ट्रायंगल में ए बी, इस ट्रायंगल में किसके इक्वल है, गिवन गिवन सही है। ओके इस ट्रायंगल का एंगल 1 एंगल 2 है, जल्दी बताओ वन है, इसका ध्यान रखना। इस ट्रायंगल में एंगल वन, इस ट्रायंगल के टू के, यहाँ पे क्या लिखो, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन निकला ये चीज एडी कॉमन। हाँ एडी कॉमन, बहुत बढ़िया, एडी इक्वल टू एडी, एफसीएस कॉमन साइड एंगल साइड, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी congruent to, congruent to triangle ACD by side angle side congruence to ठीक है। तो अब मैं सीधी सीधी ले सकता हूँ, एंगल जो B है वो एंगल C के इक्वल है by CP CD, CD. एक बात और नोटिस करो, देखो जो मैंने ट्रायंगल कॉम्प्लीट लिखा है ना, यहाँ ध्यान दो AB इक्वल टू AC ये रहा, ठीक है। अब BD जो ना BD CD के इक्वल, अगर मुझे ये भी करना हो तो मैं कर सकता हूँ, CD से BD इक्वल टू CD CD। देखो क्रॉसबॉन्डिंग पार्ट्स हैं, आपस में क्रॉसबॉन्डिंग है, और सुनो AD और AD कॉमन, अगर वो मैं D पीछे लिखा हो तो जरूरी रहता है क्रॉसबॉन्डिंग पार्ट नहीं होता ना, तो ट्रायंगल ऐसे लिखो कॉम्प्लीमेंट से आप क्रॉसबॉन्डिंग पार्ट्स को भी दिखा सको। देखो इट मींस एंगल ए इक्वल टू एंगल ए दोनों ट्रायंगल को, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी ये रहा, और एंगल डी इक्वल टू एंगल डी मतलब दोनों के लिए मेन है ये, सर ये क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय एस एस बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन सर एंगल 1 और एंगल 2 कौन सा होगा, ये रे वन और वन और टू बाय कंस्ट्रक्शन निकला है वो, तो सर नाम बी ए डी, ओके बी ए डी सी ए डी डी ए सी, ठीक है डी ए बी डी ए सी ऐसे भी ले सकते हो, समझ में आ गया, नोट डाउन करो।